को, मंत्रियों को, सभी संबंधित लोगों को तुरंत सतर्क होकर इस पीड़िता की बात सुननी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए कानूनी तौर पर, इसके बाद कानून काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे छोड़ने के लिए। आपको बता दें मामला बहुत ही गंभीर है, युवती के साथ पुलिसकर्मी और उसके तीन दोस्त मिलकर गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं। मामला यही नहीं थमता, लड़की का वीडियो बनाया जाता है, वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के आधार पर उसके साथ बार बार ज्यादती की जाती है। लड़की मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचती है, थाने से लड़की को अपना एरिया नहीं है, हमारा एरिया नहीं है, आप दूसरे थाने जाइए। पहले युवती जाती है टीटी नगर थाने, वहां से प्रभारी कमला नगर थाने का हवाला देते हुए युवती को कमला नगर थाने भेजते हैं, वहां कमला नगर थाने से प्रभारी टीटी नगर का हवाला देते हुए वापस युवती को टीटी नगर थाने भेजते हैं। सबसे पहला सवाल, युवती ने कई बार इसकी शिकायत दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज नहीं की गई। दूसरी बात, अगर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान देश की बेटियों को, भांजियों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, और वो भी सुरक्षा उन पुलिस कर्मियों के जरिए जो कि रक्षक की बजाय भक्षक बनकर बैठे हैं, उनके जरिए छोड़ा जाता है, वहीं पर युवती ने अब जल समाधि लेने की चेतावनी भी दी है। अगर इस मामले पर, गंभीर मामले पर कार्रवाई नहीं होती तो साफ साफ युवती ने कहा है कि वो जल समाधि ले लेगी। हम एक बार और आपको उस युवती का चेहरा दिखाएंगे और एक बार फिर से पूरे घटनाक्रम को शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त है स्टूडियो में युवती। पहला सवाल आपसे, शुरू से आप बताइए कि क्या हुआ। वो यशवंत सिंह आया था और बोले मेरे दोस्त को बर्थडे है, बोल के मुझे ले गया अपने दोस्त के लिए। जी हाँ, कोई बर्थडे वर्डे नहीं था, लोग थे बस, और उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की और कुछ लिक्विड पिलाया जिससे मुझे थोड़ा चक्कर से आया मैं जी बोल दे, और उसके बाद में लोगों ने बहुत गलत फायदा उठाया। जी तो मतलब ये आपको झूठ बोल के बुलवाया गया था कि वहां पे पार्टी चल रही है, पर वहां पार्टी नहीं थी। मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक किशोर संवेदी जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएनएन में। बहुत ही गंभीर मामला है, आरोप लगाया पुलिसकर्मी पर और उसके तीन दोस्तों पर, जाति की, नशीला पदार्थ पिलाया, उसके बाद वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद लड़की को उस वीडियो को दिखाकर बार बार उसके साथ जाति की, घर वालों तक को धमकाया गया कि पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज ना करवाएं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हेलो जी, हेलो किशोर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं। किशोर जी, भयावह गंभीर मामला है जिसमें एक युवती के साथ एक पुलिसकर्मी जो अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम देता है, झूठ बोलकर बुलाया जाता है युवती को कि दोस्त की बर्थडे पार्टी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पे लड़की को नशीला पदार्थ बनाने के बाद लड़की जब नशे में आती है उसके साथ जाति की जाती है, उस जाति का वीडियो बनाया जाता है, उस वीडियो के जरिए बार बार लड़की को धमकाकर वापस उसके साथ जाति की जाती है, लड़की जब इसकी शिकायत लेकर थाने जाती है तो वहां से एरिया हमारा नहीं है इसका हवाला देकर दूसरे थाने ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहीं पर परिजनों को धमकियां भी दी जा रही है कि अगर इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। इससे ज्यादा गंभीर बात एक ही है कि युवती ने साफ शब्दों में, एफिडेविट आप देख सकते हैं, साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो लड़की जल समाधि ले सकती है, क्या कहेंगे इस पर? हेलो हेलो किशोर, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी। पुलिस वाले अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। बताइए आप मुझे क्या बोलना है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? किशोर जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? आई आपकी आवाज। किशोर जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की युवती के साथ गैंगरेप की घटना होती है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप?
ये जो बड़ा गंभीर मैटर है, बड़ा गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुचिता और संस्कृति की बात करती है जी। और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र का गांव भैसान फेरी रोटी का जो लड़की रहने वाली आदिवासी लड़की है, यहाँ पे प्रोफेसर कॉलोनी है, कमला नेहरू छात्रावास में रह रही थी। और यहाँ से उस लड़की का परिक्रमण का काम है कि पुलिस वाला है यशवंत अपने साथियों के साथ में गिरफ्तार किया। लड़की 21 दिन से लगातार मतलब शिकायत कर रही है, मुख्यमंत्री को कर रही है, गृह मंत्री को कर रही है, महिला भाजपा नेता को कर रही है। उसके बाद इसके मामले में सरकार एकदम मौन पड़ी है। मतलब इससे तो बात होती है कि मुख्यमंत्री चाहता है कि इस क्षेत्र की घटना है और आदिवासी बच्ची है तो ये रिपोर्ट ही न लिखी जाए जी। एक तरह से मुख्यमंत्री इस महिला के बच्ची को लेके बड़ा गंभीर है कि भाई अगर उसके क्षेत्र की बात सार्वजनिक हो जाएगी तो सरकार की बड़ी बदनामी होगी। ये स्पष्ट दिखता है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि इस बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि इस क्षेत्र का नेता बुधनी का प्रतिनिधित्व करने वाला इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान है और वो मुख्यमंत्री ऑनलाइन में शिकायत कर रही है, गृह मंत्री को शिकायत कर रही है, पूरी सरकार को शिकायत कर रही है, शिकायत नहीं सुनी जा रही। तो जो भारतीय जनता पार्टी है शिवराज हरगढ़ का मानव बना सकता है, जो अपनी भावियों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, इस प्रदेश में 15 साल में महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता है, इन्हें दोबारा जनता के जनादेश के बारे में सोचना चाहिए। और मेरा कहना इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जी। किशोर जी, मतलब आपके कहने का मतलब है महिला सुरक्षा को लेकर सरकार सजग नहीं है? नहीं, मेरा तो मानना है कि एफ आई आर और सारे आरोपियों की गिरफ्तारी और इतना डिले क्यों है, इसके लिए कितने लोग जिम्मेदार है इस प्रदेश में, डीजीपी से लेकर यहाँ का एसपीआई भी सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए जी। किशोर जी, आपके संज्ञान में मामला आ चुका है, अब आप क्या करेंगे, आपके तरफ से क्या कोई इस पर एक्शन होगा? मेरे पास एक बच्ची आई अपनी बड़ी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ आई, मुझसे जो हुआ मैंने इसकी मदद किया, मीडिया के सामने लाया और मैं अभी परसों राजभवन लेके जाऊंगा इसके परिवार को। बहुजन समाज पार्टी में मैं हूँ तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर लीडरशिप करते हैं, पूरा बहुजन समाज पार्टी से अपन पर राजभवन जाएंगे, मैं माननीय राज्यपाल से मिलेंगे और इस प्रदेश के जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। दोनों थाना कमला नगर और पीके नगर, वहां के सारे स्टाफ को सस्पेंड करने की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें भयावह गंभीर मामला है, युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई, युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, वर्दीधारी पुलिसकर्मी है और उसके 3 अन्य दोस्त, वो दोस्त जो पार्टी का बहाना, बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर युवती को एक जगह बुलाते हैं, उसके बाद एक नशीला पदार्थ पिलाते हैं और उसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो सवाल यह भी उठता है क्या कि इस युवती को न्याय मिलेगा। सबसे खास बात युवती कहीं और की नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की है। सवाल यह भी उठता है जब सीएम के गृह जिले की युवती के साथ ऐसा अनाचार हुआ है, युवती ने कई बार इसकी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, यहां तक सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, आवेदन दिया आईजी तक को आवेदन दिया गया, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कारण होगा कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी लेट लतीफी हो रही है, क्या पुलिस वाले को बचाने में लगी है या फिर मामला कुछ और है, किसी चीज के दबाव के चलते पुलिस यह एक्शन नहीं ले रही है। आपको बता दें युवती 3 महीने से अपनी गुहार जगह जगह लगा रही है, एम फार्मा की छात्र है ये पीड़िता, कार्रवाई नहीं होने पर जल समाधि लेने की चेतावनी दी है इन्होंने। देवास भोपाल की बात करें जहां पे छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई, सबसे खास बात इस गैंगरेप की घटना में जो मुख्य आरोपी है वो एक पुलिसकर्मी है।
आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर एफिडेविट है ये वो, जिसमें लड़की ने साफ अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है और वहीं पर इन्होंने कहा है कि इनके साथ सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो भोपाल के बड़े तालाब में जल समाधि ले लेगी युवती। साफ तौर से युवती का कहना है कि इनका जीवन बर्बाद हो चुका है और इस घटना से कहीं ना कहीं इनके घर वालों को भी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना अभी तक करना पड़ रहा है। लड़की ने साफ एफिडेविट में लिखा है कि मुझसे यशवंत बागड़िया और अशोक लोधी ने दो बार जबरदस्ती उठाकर जाती की। वहीं संबंध में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ऑनलाइन में शिकायत दर्ज करवाई पर इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्वाचित हैं तथा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। बड़ा सवाल यह है किसके दबाव में है आखिर प्रशासन। आपको बता दें पुलिसकर्मी ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर शास्त्री नगर में युवती को बंधक बनाया था। जैसे तैसे युवती उनके चंगुल से छूटती है और परिजनों को सारी बात बताती है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाएं, बने रहें डीएनए न्यूज के साथ। अपने चलो चले अधिकार जताने लोकतंत्र की शक्ति दिखाने होगा है कुछ बढ़ने का चलो जिम्मेदारी निभाने अपने होने का एहसास दिलाने मतदाता का पक्ष दिखाने चलो चले वोट देने चलो चले वोट देने चलो चले वोट देने चलो चले। InStyle Way, a family salon, the only salon at your home. Services we provide: hair treatment, skin treatment, advanced makeup, all types of facial, highlights, and other services. A parlor, आपके घर, सिर्फ एक फोन पर, या आप कर सकते हैं online booking. www.instyleway.com पर.
हमारा पता है शॉप नंबर UG 31 करतार आर्केड नियर कैपिटल पेट्रोल पंप रायसेन रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9691239535 7470438837। देश की तकदीर सियासी तस्वीर बदलने की कहानी, सत्ता के दहलीज पर बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियाँ, बदलती सियासत में कहीं पीछे छूटते रिश्तों की कहानियाँ, कहानियाँ सियासत की मिट्टी से निकले किरदारों की 10 कहानियाँ देखिए मेरे साथ सिर्फ DNN पर। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके DNN न्यूज में। बात कर रहे हैं हम आज एक ऐसी युवती की जिसके साथ एक पुलिसकर्मी ने मिलकर और उसके अन्य 3 दोस्तों ने मिलकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। खास बात यह कि घटना को अंजाम देने के बाद युवक यही नहीं थमते, लड़की का वीडियो बनाते हैं, उसे वायरल करने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद लड़की से बार बार अनाचार किया जाता है। लड़की मामले की शिकायत लेकर दर दर भटकते हैं, पर लड़की की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता। बात सिर्फ यहीं पर नहीं थम रही, बात सीएम के जिला क्षेत्र गृह जिले की निवासी है ये पीड़िता, जिसकी गुहार सीएम हेल्पलाइन नंबर पर की गई, परंतु कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। युवती ने इसकी शिकायत IG से भी की, महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस से भी की, पर कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह के उन खोखले दावों पर जो कि वो शहर की बेटियों के लिए देते हैं कि उनकी सरकार के राज में बेटियां सुरक्षित हैं। क्या वाकई बेटियां सुरक्षित हैं? अगर सुरक्षित हैं तो क्यों 3 महीने से उस युवती की शिकायत थाने में दर्ज नहीं की गई, और अगर शिकायत संज्ञान में भी अगर आती है तो क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप DNN पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, ये उस एफिडेविट की छाया प्रति है जिस पर लड़की ने पूरी घटना को बताया है। साथ ही लड़की ने यह बताया है कि 20/10/2018 तक मेरी सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो मैं भोपाल के बड़े तालाब में जल समाधि ले लूंगी। क्या पुलिस की विफलताओं का या पुलिस की लापरवाही का खामियाजा युवती को जल समाधि लेने के बाद ही मिलेगा? लड़की का साफ कहना है कि उनका जीवन बर्बाद हो चुका है और इस सामूहिक बलात्कार की घटना की वजह से पूरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कि उन्होंने पहले उन्होंने जैसे बताया कि टीटी नगर थाने में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाने वो पहुंची, फिर वो कमला नगर थाना पहुंची, तो कमला नगर थाने में आपकी शिकायत को क्या दर्ज किया गया, और दर्ज किया गया तो क्या चीजें उसमें डाली गई, क्या मेंशन किया गया, क्या रिपोर्ट आपके मुताबिक लिखी गई कि उसमें कोई हेरफेर हुआ, ये बताएं। सर, जिस चीज की रिपोर्ट लिखवानी हुई थी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई मैंने जी। आपने क्या लिखवाने बोला था रिपोर्ट में? जी, मेरे साथ गलत कर रहे हैं ये लिखने के लिए बोला था सर, उन्होंने सिर्फ छेड़छाड़ कर छोड़ और उन्होंने छेड़छाड़ की, सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए रिपोर्ट को रफा दफा कर दिया। आपको बता दें कमला नगर थाने में जब युवती शिकायत दर्ज कराने पहुंची और पूरा घटनाक्रम जब पुलिस वालों को बताया गया तो पुलिस वालों ने मामला तो दर्ज किया पर गैंग रेप का नहीं, सिर्फ छेड़छाड़ का, सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। युवती का साफ तौर पे कहना है कि रिपोर्ट युवती के मुताबिक नहीं लिखी गई, रिपोर्ट में जो पीड़िता के साथ हुआ वो नहीं लिखा गया। पहला सवाल ये, अगर पीड़िता की पूरी घटना को पुलिस ने दर्ज नहीं किया तो क्या पुलिस किसी के दबाव में है, और अगर नहीं तो क्यों रिपोर्ट लिखने में इतनी देरी हुई, और अगर देरी हुई तो अब तक
क्यों वर्दीधारी पुलिसकर्मी जिस पर आरोप लगे हैं और जिसके अन्य तीन दोस्तों पर आरोप लगे हैं क्यों पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान इस चीज को संज्ञान में नहीं ले रहे या उनके संज्ञान में आने के बाद वो मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे? क्या सिर्फ वोट जुटाना या जनसभाएं करना सीएम शिवराज सिंह चौहान का लक्ष्य बन चुका है? सभाओं में बेटियों को भांजियों को सुरक्षा देने का दावा करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। युवती पीड़िता ने कई बार इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई, 3 महीने तक शिकायत दर्ज नहीं होती, आखिर में कमला नगर थाने में शिकायत दर्ज की जाती है, पर कमला नगर थाने में भी शिकायत गलत दर्ज की जाती है। हम आपको एक बार फिर युवती से मिलवाना चाहेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या थी, वो क्या दर्ज करवाना चाहते थे और क्या दर्ज किया गया। आप खुल के बताएं कि आप अपनी गुहार लेके गए थे, उसके बाद आपने थाना प्रभारी को जब अपने साथ हुई जाती के बारे में बताया तो उनका क्या रिएक्शन था और क्या उन्होंने हवाला दिया जब आपने सवाल किया कि रिपोर्ट आपके मुताबिक नहीं लिखी जा रही, तो उन्होंने किस चीज का हवाला देते हुए आपको वहां से रफा दफा कर दिया? सारी घटनाक्रम आप हमें बताएं। सर, रिपोर्ट करने जब मैं पहुंची तो पहले पूरी बात पूछी तो मैंने जो बताया तो बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन सर जब रिपोर्ट लिखी तो जो मैंने बताया वो नहीं लिखी। रिपोर्ट आपके सामने लिखी गई? जी, रिपोर्ट आपके सामने। हमने पूछा कि मतलब ये जैसा मैं बता रही हूँ वैसा नहीं लिखा जा रहा, तो बोलते हैं कि कानून तो नहीं जानती है, ऐसे ही लिखा, इसकी रिपोर्ट ऐसी ही लिखाई जाती है। अच्छा, क्या आपने इस चीज का भी उस चीज में जिक्र करा कि एक आरोपी जो है वो पुलिसकर्मी है? जी, मैंने बताया तो पुलिसकर्मी, इसीलिए रिपोर्ट करनी बहुत लंबी, उनको 5 बजे गए थे, आपको 4 बजे तक बिता कर रखा रिपोर्ट कर लिया। और कितना वक्त लिया उन्होंने आपकी रिपोर्ट को दर्ज करने में? क्या आपकी रिपोर्ट दर्ज करने में किसी ने आनाकानी करी या उससे पहले कहीं किसी के फोन आए या उसके बाद आपको धमकियां आना चालू हुई या कुछ हुआ? फोन लिया और उसमें से एक लड़के को बुलाया भी, उसने बोला भी हाँ कि मेरा दोस्त लेके आया, तो उसके बाद भी उस लड़के को भी जाने दिया और रिपोर्ट जो बताई थी वो नहीं लिखी। सर, थाने में उस लड़के को भी बुलाया? जी सर, लड़के को बुलाया तो उसके बाद अशोक ने दी सर। थाने में आपका कहना है कि एक पुलिसकर्मी वाला था, उसके साथ तीन दोस्त और थे। जी, तो क्या उस पुलिसकर्मी को भी बुलाया गया थाने में? जी, उनका उसका जो दोस्त है वो भी पुलिसकर्मी नहीं है, भोपाल में पोस्टेड है, तो उसको भी बुलाया था, रात भर बिठाया उसको, सुबह छोड़ दिया। आपके कहने का मतलब है दो पुलिसकर्मी है? जी, दो पुलिसकर्मी है और दो लोगों को नहीं जानती सर। तो जैसा कि आपने सुना कि अब तक जो एक आरोपी था पुलिसकर्मी है वो दो हो चुके, दोनों पुलिसकर्मी है, दोनों को थाने भी बुलवाया गया, बयान पलट कर दर्ज किए गए, आरोपी और क्रोई दोनों पुलिस वाले थे जिन्हें थाने में जब इन्हें बुलाया गया और इनकी शिकायत दर्ज करवाने की जब बात आई तो वहां के प्रभारी ने साफ तौर पर बोल दिया कि कानून आप नहीं जानते, इसकी रिपोर्ट ऐसे ही लिखी जाती है। पीड़िता ने चीख चीख कर अपनी बातें प्रभारी के सामने रखी और आखिर में पुलिस जो FIR दर्ज करती है वो कुछ और ही होती है। बहुत ही गंभीर आरोप और सवालों से घिरा हुआ यह मामला, जिसमें सवाल शिवराज सरकार राज्य सरकार से हैं और मामला जो गंभीर आरोप लगे हैं वो वर्दीधारी जो रक्षक होने चाहिए, जो कि भक्षकों वाली उन्होंने हरकतें करी उन पर है। क्या पुलिस कोई ठोस एक्शन लेगी? IG से भी इसका निवेदन किया गया, IG ने कोई एक्शन नहीं लिया। महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस से भी पीड़िता ने फरियाद लगाई पर सिर्फ आश्वासन मिला। CM हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल की जाती है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। CM हेल्पलाइन नंबर पर आवेदन दिया जाता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ताजा खबरों के लिए बने रहें TNN न्यूज के साथ। Channel
तमाम चलो चले अधिकार जताने जो कंत की शक्ति दिखाने होता है कुछ बढ़ देता चलो जिम्मेदारी निभाए अपने होने का एहसास दिलाए होते पता का पक्ष दिलाए चलो चले वोट तेरे चलो चले वोट तेरे चलो चले वोट तेरे चलो चले शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर डिजियाना ग्रुप लेकर आए हैं जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव समिति के साथ मां के दो स्वरूपों की अनुपम झांकी। लीजिए मां हिंगलाज के साक्षात स्वरूप और जैसलमेर की मां भवानी के अद्भुत दर्शन। साथ लीजिए रंग बिरंगे मेले और झूले का आनंद। बिट्टन मार्केट भोपाल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। मैं हूँ आपके साथ जब परवीन सिंह। सबसे पहला सवाल है मनीष जी आपसे कि साइबर क्राइम या साइबर अपराध है अगर आपकी परमिशन के बिना कोई भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। परेशानियों से बचने के लिए कई बार तैयारियां की जाती है पर क्या आज उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इनके लिए ये तसल्ली पर्याप्त है? आम जनता की बात भी है लेकिन ये विरोध भी जरूरी। हमारी आज जो चर्चा है बच्चे और स्वागत आप सभी का हमारी इस चर्चा में शामिल होने का। कितना प्रभाव बच्चों को पड़ा है और बात करें कितना बड़े के साल के किस एज में बच्चे और कैसा है आज पति पत्नी और कानून परिवारों में खुशहाली नहीं होगी क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारे भारत की संस्कृति सदियां बदल रही है लेकिन बेटियों को लेकर समाज में सोच अब तक सबसे ज्यादा भूमिका अभी भी होती जा रही है। सभी आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या बन रही है कि वह उपेक्षा और उनका अकेलेपन इस उम्र में हम लोग सब भाग जिंदगी में भागे जा रहे हैं और उनके को तुम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। सरोकार देखिए सोमवार से शनिवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ BNN पर। एक पत्रकार जो कहते हैं परशुराम कथा देखिए धर्म धारा सुबह 6:30 बजे सिर्फ BNN पर। चलो चले वोट देने चलो चले वोट देने चलो चले वोट देने चलो चले चलो चले देश बनाने अपने हक का मानी बनाए चलो चले अधिकार जताने लोकतंत्र की शक्ति दिखाने होता है कुछ बढ़ देता चलो जिम्मेदारी ने